नो डाउट मान लिया कि अफगानिस्तान बड़ी टीम है, लेकिन सामने पाकिस्तान नहीं खड़ा मेरी जान, सामने इंडिया खड़ा है। और कभी भी शागिर्द का उस्ताद का मुकाबला नहीं होता। शागिर्द कहते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई हैं, एक बाप है एक बेटा है। नो डाउट इंडिया सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को हर जगह के ऊपर, अपने कोचिज उनको देता है कि आप उनसे सीखें, उनकी हेल्प आउट करते हैं, उनको प्रैक्टिस सेशंस में प्रैक्टिस करवाता है। बट द थिंग इज दैट कि अफगानिस्तान इज नॉट अ स्मॉल टीम। बस ये बॉलर बहुत अच्छा है जसप्रीत बुमराह, लेकिन है हमारा दुश्मन। इंडिया का पहला मैच होने जा रहा है अफगानिस्तान के साथ, क्या लगता है कि इंडिया जीत पाएगा? स्टेट मैच जीत जाएगा। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, आज इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच है सुपर 8 का, और दोनों ही जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान में कितना प्यार है। अब आज चाहे जो भी जीते, लेकिन वो जीत इंडिया की ही मानी जाएगी। और इस पे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानियों का क्या सोचना है भाई, वो किसे जिता रहे हैं? तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में, फिर इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अफगानिस्तान कोई ऐसी टीम तो है नहीं है कि लाइक आप कह रहे हैं कि भारत को टक्कर नहीं देगी। वो डेफिनेटली भारत को टक्कर देगी, दोस्ती यारी अपनी जगह पर। जब आप अपने नेशन के लिए खेलते हैं तो हर चीज आपको कह लेंगे पीछे रखनी पड़ती है। हम कहते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई हैं, एक बाप है एक बेटा है। नो डाउट इंडिया सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को हर जगह के ऊपर, अपने कोचिज उनको देता है कि आप उनसे सीखें, उनकी हेल्प आउट करते हैं, उनको प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करवाता है। बट द थिंग इज दैट कि अफगानिस्तान इज नॉट अ स्मॉल टीम। आप नोटिस किया होगा आपने कि बड़े बड़े जॉइंट्स के साथ दो टीमें ऐसी हैं जो कि छोटी, एक अफगानिस्तान एंड एक बांग्लादेश, ठीक हो गया। एंड अफगानिस्तान इज दैट टीम जो उसने अपने ग्रुप में टॉप किया है, और न्यूजीलैंड जैसी टीम को अपने ग्रुप में से उठा के बाहर फेंक दिया, ऐसा पिछाड़ा उसने उस दिन। अफगानिस्तान की जो एफर्ट्स होती है ना पाकिस्तान के खिलाफ होती है, इंडिया के खिलाफ उन्होंने कभी एफर्ट की ही नहीं। आप लास्ट उनके जो दो तीन मैच हैं उठा के देख लें, आपको पता लग जाएगा। कल भी वन साइड जीतेगा। अगर इंडिया बैटिंग करता है कितना स्कोर नजर आ रहा है आपको? अप्रोक्सीमेटली अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता है ना तो 180-190 के राउंड अबाउट। 180 और अफगानिस्तान अगर बैटिंग करता है तो? अफगानिस्तान करता है तो 130-140। मतलब कि इंडिया के लिए इजी मैच है? इजी मैच है सर। देखिए, इंडिया टाइमली उसने खुद को कितना ग्रूम कर लिया, उनकी बॉलिंग बैटिंग हर चीज़ देख लें। पाकिस्तान किस चीज़ पे कहाँ देखते हैं आप? पाकिस्तान को अगले 5 साल भी मैं कहीं भी नहीं देखता। आपको इंडिया फेवरेट क्यों लग रही है? इंडिया फेवरेट इसलिए लग रही है उनके पास बैटिंग बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है यार इस टाइम। आप देख पिछले रैंकिंग उठा के उनकी देख लें, विराट कोहली बुमराह उनके पास देख लें, पांड्या देख लें। पांड्या ने तो की पता कल वक्ता पा दे को पता कोई नहीं होता। बिल्कुल वही जो दम पड़ के फूंक मार दी, पता ला गया कोई पता नहीं। बाकी अफगानिस्तान भी टीम बहुत अच्छी है, स्ट्रगल करेगी। मुकाबला होना, कंपटीशन होना है। पाकिस्तान वाली खच नहीं वजनी। ये जेड़े पाकिस्तान के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब गए सन, इन्होंने वाहवा माल कट्ठा कर लिया खिलाड़ियों को, आज तक राज था। लेकिन असं खिलाड़ियों गल नहीं कर सकते क्योंकि मुल्क आजाद नहीं है। इंडिया अफगानिस्तान से चूचा है थोड़ा सा, छोटा सा। मतलब अगर इंडिया की परसेंटेज कितनी है, अफगानिस्तान की परसेंटेज कितनी है? इंडिया अफगानिस्तान के सामने 50 पे है। 50-50 अफगानिस्तान 100 पे चल रहा है, इंडिया 50 पे है, हाफ एंड हाफ पे है। सर बहुत बड़ी बात कर रही है, कहाँ इंडिया की साइड कहाँ अफगानिस्तान की साइड? देखिए आप कल देख लीजिएगा, कल आपसे दोबारा इंटरव्यू करेंगे अगर अफगानिस्तान जीतता। कोई इशू नहीं, मैं इधर ही होता हूँ जब मर्जी। ठीक सर, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, उस्ताद और शागिर्द का जो है वो मुकाबला आगे T20 वर्ल्ड कप के अंदर, क्या लगता है भाई कौन मार्का मारेगा? देखिए, मार्का किसने मारना सबको पता है, जो अनबीटेबल गया पूरा। अब वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप भी अनबीटेबल गया, अब T20 वर्ल्ड कप भी अभी तक अनबीटेबल जा रहा है, तो मार्का तो फिर वही मारेगा ना। मार्का मारते ही हैं, मार्का से कोई बड़ा लॉस यूज करे छक्के जो है। हाँ ये बात सही है भाई, इंडिया जो है इस टाइम पूरी पूरी हिस्ट्री उठा दे लो, कोई भी टीम ऐसी नहीं जिसको उन्होंने ना की लकीरें निकलवाई हो। इंडियन टीम वो टीम बन चुकी है जो कि ODI टेस्ट T20 हर फॉर्मेट के अंदर शेर की तरह राज कर रही है दुनिया में, ठीक है। इंडिया वो टीम है जो कोई भी टीम सामने आ जाए उसको बता सकती है कि भाई उंगलियों पे कितने पोटे होते हैं, ठीक है। उतने उतने छक्के हम हर बंदा मारना जानता है। इंडिया वो टीम है जो भाई कहीं से भी मैच को उठा कहीं पे भी लेके जा सकती है। इंडिया वो टीम है जो कहीं से भी हारा हुआ मैच शेर के मुंह से हाथ डाल के निकाल सकती है। इसकी एग्जाम्पल मैं यूं देता हूँ आपको, आपने देखा पाकिस्तान इंडिया इतनी हाइप, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, 9 जून क्या हुआ 9 जून को? और भाई 120 भी डिफेंड कर गया वो, ये बॉलर उनके पास आया तो हम कैसे ना गए इंडिया मार का नहीं मार सकता। हाँ यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा कि इंडिया अफगानिस्तान नहीं है, इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी है। तो यहाँ पे जो मर्जी जीते, जो मर्जी आ रहे, जीत इंडिया के नाम ही है। क्योंकि मतलब कि इंडिया के वाम को खुशी होगी चाहे अफगानिस्तान जीत जाए, चाहे ओबीसी बात है। देखें यहाँ पे अगर हम बात करें अफगानिस्तान की हार की, तो हमें इंडियन ऑडियंस हमें गालियां दे कि भाई अफगानिस्तान हमारा
आई है, ठीक है। तो ऐसे ही इंडिया अफगानिस्तान में जो मर्जी जीते खुशी इंडिया को ही है, क्योंकि इंडिया ने अफगानिस्तान को खेलना सिखाया, इंडिया ने अफगानिस्तान को जीतना सिखाया, इंडिया ने अफगानिस्तान को परफॉर्म करना सिखाया। तो आज अफगानिस्तान नंबर वन पे लीड कर रहा है। ये सो कॉल्ड बातें कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्रिकेट सिखाई है, अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्रिकेट सिखाई होती तो आप मुझे बताएं, नहीं ये बात नहीं करेंगे, आप मुझे बताएं कि अफगानिस्तान कैसे ग्रुप के नंबर वन पे लीड कर रहा है। ये बात तो है, अगर इंडिया ने सिखाई है तो इंडिया वहां से लीड कर रहा है नंबर वन पे, यहाँ पे अफगानिस्तान लीड कर रहा है नंबर वन पे। तो बात इतनी से जो जो दिखता है वही बिकता है, जो उन्होंने सिखाया वो नजर आया। ग्रुप के नंबर वन पे दोनों टीमें लीड कर रही है, और आज कल यानी कि उनका आपस में टाकरा है, आपस में मैच है। तो मेरे ख्याल में मैच बहुत बड़ा होने वाला है। हम मैच ये नहीं कहेंगे कि यार आराम से हार जीत वन साइड हो जाएगी, नहीं, चाहे दोनों इंडिया की टीमें हैं लेकिन जोर दोनों टीमें लगाएंगी एक बड़ी। फिर भी आपका जीत ठीक है, कोई भी जीतेगा खुशी इंडिया को होगी, लेकिन फिर भी जीत कौन रहा है? ऑब्वियसली बात है, उस्ताद जो उस्ताद है वही जीतेगा ना। पहले ही मैंने बात किया, देखिए उस्ताद और शिगिर्द की बात नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि उस्ताद ने अगर शिगिर्द को खेलना सिखाया ना तो उन्होंने अपना सारा गुण नहीं दे दिया उनको कि वही उस्ताद बन के बैठ जाए हमारे पर। ऑब्वियसली बात है, उस्ताद कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ दबा जाता है कि जो शिगिर्द ना सीखे, तो वही एक की पॉइंट होता है, वही एक मेन पॉइंट होता है जहाँ से शिगिर्द काबू में आएगा, नहीं तो हर शिगिर्द उस्ताद के सर पर उस्ताद ना बन के बैठ जाए। चले, इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो दोनों बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, क्या लगता है फाइनल तक कौन जाएगा, कौन फाइनल जीत सकता है? देखिए मुझे यहाँ पे पर्सनली ये लग रहा है कि इंडिया अफगानिस्तान फाइनल में चला जाएगा। अच्छा, मुझे पर्सनली ये लग रहा है, ठीक है। बाकी आगे कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी ऑन वेस्ट इंडीज भी है, वहाँ से इंग्लैंड भी है, टीमें सारी वही मंजी निकल गई हैं जो वाकई डिजर्व करती है। कौन मुकाबला जीतने वाला है? सर देखिए दुनिया को उस्ताद ही जीतते हैं और उस्ताद शिगिर्द से नहीं हारते, लेकिन सर हमें जैसे अफगानिस्तान भी देखे 20 टीम रह गया एंड पे आके जरा उसने लड़खड़ाई है, लेकिन इंडिया सर वो छोटी टीमों के खिलाफ बड़ी प्रेडिक्टेबल टीम है, वो छोटी टीमों के खिलाफ नहीं हारती है। और सीधी सीधी बात है, 12 ओवरों में अफगानी आउट होंगे, 10 ओवरों में चेज हो जाएगा, एज यूजुअल इंडिया ही करती है, इंडिया वन साइडेड जीतेगा, वन साइडेड जीतने को उम्मीद है, लेकिन अफगानी शायद टफ टाइम दे दें क्योंकि आप उम्मीद लगा सकते हैं। अनबीटेबल टीम आ रही है, सिर्फ एक मैच हारी है अभी तक अफगानिस्तान, सारे इंडिया तो फिर एक मैच की वो भी नहीं हारी, वो तो ड्रॉ हुआ था। देखिए दे गेम होगी, लेकिन इंडिया की जो परफॉर्मेंस है सर वो बहुत कमाल जा रही है, और इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया बिगेस्ट राइवलरी है, ये विश्व कप ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आ जाए, ये दोबारा पैदा होकर आ जाए, ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत सकती इंडिया से, क्योंकि देखिए हर दिन जुमेरात नहीं होती और हर दिन फाइनल में इंडिया नहीं हार सकती, हर दिन फाइनल में कोहली का बल्ला नहीं रुक सकता। तो कल अफगानिस्तान को तो मजा आएगा, उसके 3 दिन बाद फिर ऑस्ट्रेलिया को भी मजा आएगा, आप खुद ही देखिए। अफगानिस्तान से भी जीत रही है और ऑस्ट्रेलिया से भी जीत रही है इंडिया, सर वर्ल्ड कप जीत रही है, छोटी टीमों की बात करें, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो पानी में डूब गया, अब पीछे रह गए इंडिया, जिसको अब हम स्पोर्ट किसकी तरफ है, आपकी स्पोर्ट सर अब इंडिया को ही करेंगे। देखिए वो पहले स्पोर्ट थी जब पाकिस्तान के दरमियान हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करते थे, लेकिन सर अफगानिस्तान की हरकतें होना सीरियस नोट सही नहीं है, उसको बाबर ने एक दफा बल्ला गिफ्ट किया तो हार पे गए, अगले दिन कह रहे पाकिस्तान मर गया। और देखिए इंडिया में हमारे मुसलमान भाई है और वो भी मार्शल बड़ा अच्छा माहौल रखते हैं क्रिकेट में, हाँ पॉलिटिक्स पे वो अलग बात है, उस पर नहीं हम जाएंगे, एज अ क्रिकेट फैन हमें भी काफी उनके प्लेयर पसंद है, हालांकि इंडियंस बाबर को बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन इस साल कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन अब वो आगे की बात है, लेकिन फिर भी चांसेस है कि इंडिया 95% इंडिया के, क्योंकि सर वो प्रेडिक्टेबल टीम है, वो चोक नहीं करती छोटी टीमों के खिलाफ। हम कह रहे थे यूएसए और आधे की कहाँ आया सर, हम कह रहे थे आयरलैंड और आधे की सर कहाँ आया, हम कह रहे थे पाकिस्तान और आधे की जीता हुआ मैच। तो गाइस फाइनली वीडियो खत्म हो गया और वीडियो बड़ा ही जबरदस्त था, और देखो एक और चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि ये सब जानते हैं भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप एक नेशन के लिए खेलते हो ना तो आपको अपनी दोस्ती यारी सब साइड रखनी पड़ती है, और आप उस टाइम अपने देश के लिए खेल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान टफ टाइम नहीं देगा, ऑब्वियसली अफगानिस्तान भारत को एक अच्छा टफ टाइम देगा और मैच बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। अब ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन कोई भी जीते हाँ दोनों ही यार कह सकते हैं भारत ए भारत भी, लेकिन जब बात नेशन की होती है तो फिर ये भारत और अफगानिस्तान में बढ़ जाता है, और बीइंग अ इंडियन मैं चाहूँगा भारत जीते, फिर मैच के बाद पता ही चल जाएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड जय श्री राम।